कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी ये धूम मचाई, ओ ब्रिज में होली मचाई, ब्रिज में होली रचाई, कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी Thank you.
तेरा काम क्या है? हाँ, कहीं मीर भर, कहीं मीर भर, कहीं मीर
ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਸੂ ਕੇ ਤਮੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਸੇ ਬੈਂਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟੇ ਭਰ ਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੋਟੂ ਕੇ ਤਮੀ ਨਾ ਇਤੋ ਕੋ ਨੋਟ ਇਤੋ ਕੋ ਨੋਟ ਬੋਰੀ ਭਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਬਗੈਦੀ ਸਭੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਅਗਰ ਸੇਵੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਤੇ ਨਿਜੂ ਨਾ ਸੇਵੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਸ ਆਕੇ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਰਜਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਤੁਹੀ ਦਾ ਹੈ ਗਨ ਅਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਜੀ ਨੂਛੀ ਜਾਵੂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਚਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਤ ਦੇਵੀ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਗੋਪਨਾ ये गंदी मशीन है गोपन वाले का एक किलो सोना का है वॉशिंग मशीन लाओ को और मैं आज खाते बनी अच्छा वॉशिंग मशीन दे तेरी जी तो मैं ला देता वॉशिंग मशीन पर तेरी भी कमर टूटी मेरी भी टूटी पैसों की कोई कमी नहीं लेकिन पानी की तू कमी थी आसमान में बैठा टैंक मैं अच्छा लो आदमी तो स्वार्थ हैगा अपन स्वार्थ खातिर भी पहाड़ काट दे जंगल काट दे वहां कंक्रीट का जंगल बड़ा है फिर अब पानी हम उधर कसी मिला ओ तो अगर सही गुण आता बात है सही तुम्हें मैं तो यस करी गए रोज दीदी का फोन है हाथल धोए हाथल अच्छा तब मैं समझ गई आप हमारे पड़ोस में गुल्लू मम्मी है तुम जान लगा वो पड़ोस में तो गए ओ हो गुल्लू मम्मी हो ओ वो कहे कि डॉक्टर ने सुनी दो दो कपड़े हाथ से धो पानी की भी बचत होगी और हाथ की एक्सरसाइज भी होगी तब भी थोड़ी वो हाथल पिला धोए वॉशिंग मशीन हवे में ला सुन के आप देख तुम्हारा दिन डॉक्टर का मानी गई थी भूपेंद्र बिस्तवा कहाँ तू नीलकंठ में बैठू अच्छा समझ गई पानी बचत कर गई नीलकंठ बिड़ी का फिर रोज हाथा खोया तुम्हारा हाथों एक्सरसाइज हो हाथों में फ्रेंड नहीं हवा गट्टी बाहर नहीं हवा और यादें फल क्यों पानी तो बचत है क्या मैं पानी बचत हूँ जब हम एल पानी बचत करूँगा कल हमारे नंदी नाम है पाइंट पर नेट अनिवेश जो नहीं हुआ कोई मेल भी जो नहीं हुआ तू यहाँ पे पहली मेल भी जो नहीं हुआ अब रोज रोज जो नहीं हो जा है तो इसके पानी बचत हूँ मैं खुदा का अंशु Okay.
Thank you.
जनपद स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि गण जीजीआईसी बनभूलपुरा की प्रधानाचार्य खंड शिक्षा अधिकारी नगर निगम के अध्यक्ष चेयरमैन साहब डीओ माध्यमिक गौतम जी उड़ा के भट जी मतलब बड़ा हो जाए लेके जाए दुनिया में बदलाव लेके आए लेकिन बदलाव तभी हो सकता है स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है एनर्जी की उनके प्रोत्साहन के लिए बात हो रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी की है रिन्यूएबल सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी की उनके बारे में स्कूलों में बात हो ऊर्जा संरक्षण केवल केवल एक ही
उसका एक ही है कि केवल एक सूक्ति है कि ऊर्जा की खपत कम से कम आप करें, वही ऊर्जा संरक्षण है। तो इंटरनेशनल सेमिनार था तो एक हमारे साथ हैं हरिंद्र रुबाली जो कि जीआईसी पतलोट से सुदूरवर्ती विद्यालय जनपद का है, वहाँ से आए हैं इस ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। मैं यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में ऊर्जा संरक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ पर अपने विचार रखे और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर लोग मेरे विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे होंगे और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा और अनेक लोगों के विचार सुने मैंने भी और मैं उन्हें अपने विद्यालय में भी व्यक्त करना चाहूँगा ताकि उन्हें हम जानकर ऊर्जा को बचाने के लिए प्रयास करें, निरंतर प्रयत्नशील रहें और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश के ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान रहेगा। और यहाँ से मैंने अन्य कई चीज़ें सीखी जिनको हम जानते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति हमारे कौन से संसाधनों से, प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक या अन्य किसी संसाधनों से कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है और कई अन्य चीज़ सीखें। तो हमारे साथ हैं मोनिका चौधरी जीजीआईसी बनभूलपुरा से आयोजन मंडल की सदस्य और मैं आइए उनसे जानते हैं इस ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर उनके विद्यालय में आयोजन का क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह से उसकी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आज हमारे विद्यालय में जनपद स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी, उरेडा के सदस्य, अध्यक्ष, मेयर, हल्द्वानी नगर निगम से ये सभी माननीय गणमान्य जन हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं। इन्होंने बच्चों के प्रयास को ऊर्जा संरक्षण पर जिन्होंने प्रयास किए, जो उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, इन सभी के प्रयासों को सराहा। एक विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, उन प्रदर्शनी में उन्होंने बच्चों के प्रयास को देखा जिससे उनको जानकारी हुई कि बच्चों में भी ऊर्जा संरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा जन चेतना जागृत हो गई है और बच्चे भी इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं कि कैसे करके हम अपने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकें। इसी आयोजन के सिलसिले में पूरे विद्यालय का सहयोग रहा। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती लतापन जी ने पूरे प्रोग्राम को अच्छे से व्यवस्थापन करने के लिए सारे छात्रों का धन्यवाद किया, सारे शिक्षिकाओं को धन्यवाद किया और हम आगे भी भविष्य में चाहेंगे कि सभी अतिथियों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमें इस प्रकार सहयोग मिलता रहे और हम इसी प्रकार के प्रोग्राम का अपने विद्यालय में आयोजन करते रहे। जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय
लगे चार महिला के कॉलेज में आयोजित की गई थी, उसमें भी आपने देखा था कि बहुत अच्छे बच्चों ने जो वहाँ पर प्रदर्शन किया था निश्चित रूप से सराहनीय था। इस बार भी आप लोगों ने पूरे मनोयोग से, चूंकि समय कम था और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमारे मेयर साहब और आदरणीय मंडी समिति के अध्यक्ष सुमित अजय साहब भी आप लोगों की बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि बच्चों ने कम समय में जो यहाँ पर चित्रकला का, निबंध प्रतियोगिता का, प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। आप लोगों को मैं एक और संज्ञान में बात देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर भी आयोजन प्रस्तावित है। जो बच्चे इन कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उन बच्चों को संपर्क में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रतियोगिता हुई थी उस कार्यक्रम का आयोजन भी 20 तारीख को देहरादून में आयोजित हो रहा है प्रदेश स्तर पर, तो इसलिए आप लोग सब संपर्क में रहेंगे। बहुत अच्छे आप लोग वहाँ जब कार्यक्रम देखेंगे निश्चित रूप से लगेगा कि आपको कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बच्चों को, यहाँ के बच्चों के जो नैनीताल जनपद के हैं उनको प्रथम स्थान प्राप्त हो, नैनीताल जनपद का सौभाग्य बढ़े, इसमें हमारे सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। जनपद स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में समस्त जनपद के 8 ब्लॉक के बच्चे यहाँ प्रतिभा करने आए हैं। GIC बनबुलपुरा, GIC गोनिया लेक और उसके बाद बालिका विद्यालय के बच्चे अपने प्रोजेक्ट, अपने मॉडल, अपने चार्ट लुक के साथ यहाँ पर दिखाने के लिए उपस्थित हैं। उनके साथ उनकी मेंटर, उनकी गाइड टीचर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। निरीक्षक महोदय अपना निर्णायक मंडल अपना निर्णय देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। बच्चे कुछ वर्किंग मॉडल भी लेकर आए हैं, निर्णायकों का निर्णय काफी गंभीरता से उनके उस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं। और हमें अपने GIC पिउड़ा के बच्चे मल्टीपर्पज एम्बुलेंस गाड़ी स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने को प्रोजेक्ट के रूप में बना के लाए हैं, आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। सर जैसे हम शहरों की बात करते हैं, शहरों में जो बहुत ट्रैफिक होता है तो जो एम्बुलेंस से कहीं दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस बहुत देरी से पहुंचती है, जैसे कोई मरीज बहुत कम रूप से भी अगर घायल हुआ हो तो उसकी भी जान जा सकती है। या फिर अगर हम गांव की बात करते हैं तो हमारे जो शहरी इलाकों से बहुत दूर होते हैं तो वहाँ की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कोई भी सुविधाएँ नहीं होती है, तो ये एम्बुलेंस वहाँ पर काम कर सकती है। इस एम्बुलेंस में हमने एरोप्लेन की वो भी स्ट्रक्चर की, एरोप्लेन जो होता है बहुत कम समय में अधिक से अधिक दूरी को तय कर सकता है, तो ये हमने इसमें स्ट्रक्चर लिया है जो कि ये उड़कर जो क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की उसको जान सकता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। GIC हल्द्वानी के बच्चों ने हल्द्वानी को ही मॉडल को यहाँ पर गणितीय रूप में दिखाने का प्रयास किया है, स्टेडियम को जानते हैं बच्चों से इसका प्रारूप। सर हमने इस आकृतियों को नए रूप में दिखाया है स्टेडियम के रूप में, इस स्टेडियम में हमें कई प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि ये वृत्त सर्कल, ये वर्ग स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल और ये अंडाकार ओवल, अष्टभुज यानी आठभुजावल और ये रेक्टेंगल यानी रेखा, ये खंडित और अखंडित दोनों सकते हैं। और इस आकृति में हमें 80 डिग्री के कोण प्राप्त होते हैं। हमारे साथ हैं जिला विज्ञान समन्वयक श्रीमान BM तिवारी जी, आइए हम उनसे जानते हैं इस जनपदीय महोत्सव की तैयारियां, कार्यक्रम और उसके संबंध में। ये जनपद विज्ञान महोत्सव एक SCERT का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें बच्चों में ज्ञान, विज्ञान के प्रति बच्चों को प्रेरित करने के लिए बच्चे 3 तरह की गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। पहली होती है विज्ञान प्रदर्शनी, दूसरा है विज्ञान मेला, तीसरा है विज्ञान ड्रामा। विज्ञान मेले में 2 वर्ग होते हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग। जूनियर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं और सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। तो इसमें जो मुख्य विषय के अतिरिक्त जो सब 6 उप विषय होते हैं उसके अंतर्गत जूनियर और सीनियर वर्ग में बच्चे मॉडल्स के द्वारा अपने विज्ञान की जितनी सोच है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से विज्ञान मेले में व्यक्तिगत
और टीम प्रोजेक्ट होता है। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में एक बच्चा अपने मार्गदर्शक शिक्षक के साथ एक किसी विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कोई मॉडल बनाता है। इसी तरह से टीम प्रोजेक्ट में बच्चे दो बच्चे अपने मार्गदर्शक शिक्षक के साथ एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इसी तरह से विज्ञान मेले में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे विज्ञान की थीम, जो इस बार हमारी थीम है विज्ञान और समाज, इसमें डिजिटल इंडिया है चाहे स्वच्छता अभियान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इस पर अपना आधे घंटे का एक ड्रामा प्रस्तुत करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर मैंने डिजिटल इंडिया पे अपना ड्रामा दिखा रहे हैं तो डिजिटल इंडिया किस तरह से भारत में उसकी प्रगति हो रही है या कैसे प्रगति कर सकता है, या स्वच्छ भारत अभियान पर कार्यक्रम कर रहे हैं, नदियों की सफाई पर कोई अपनी क्या कहते हैं अपना ड्रामा दिखा रहे हैं, तो इस पर एक आधे घंटे का बहुत विज्ञान की सोच को प्रदर्शित करते हुए ड्रामा दिखाया जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ इस विज्ञान महोत्सव के दो दिन के कार्यक्रम में हमारी होगी, जो 6 और 7 तारीख को ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में चल रहा है। इसमें हमारे जो नीला मंडल है इसमें भी हमारे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टर्स का, वहाँ के प्राचार्य महोदय का सहयोग मिला है, वो हमारे निर्णायक बने हैं। और क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और एक अपशिष्ट प्रबंधन पे एक सब टॉपिक है, तो उसके लिए हमको उसी विषय विशेषज्ञ निर्णायक चाहिए थे जो हमको उपलब्ध हुए हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात रही कि हमें जैसा हमारा उप विषय था वैसे ही हमें विषय विशेषज्ञ मिले हैं। इसमें डाइट के जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो हमारे यहाँ निर्णायक की भूमिका में हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ सम्पन्न हो रहा है। और इसके अंतर्गत फिर हम जो बच्चे 1st और 2nd आएंगे विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान मेले में, वो हमारे जनपद का नैनीताल जनपद का प्रतिभाग करेंगे राज्य विज्ञान महोत्सव में, जो 15 से 18 तक भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में हो रहा है। और विज्ञान ड्रामा की जो सर्वश्रेष्ठ टीम होगी, जो 8 ब्लॉक के जो हमारे विज्ञान ड्रामा की टीम आई है, उनमें से जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी टीम वो राज्य विज्ञान महोत्सव में नैनीताल जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। GIC रामनगर के बच्चे ने मकान की छत पर खेती को कॉन्सेप्ट के रूप में शामिल किया है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टैंक और नहाने के पानी और रसोई के पानी को वाटर टैंक के माध्यम से, मोटर के माध्यम से छत पर डालना और हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन करने का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। ये बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। GIC तल्ला रामगढ़ से मैडम पंत अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई हैं, जिनका मूल्यांकन निर्णायक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं मैडम से कि मैडम का क्या कॉन्सेप्ट है। सर, हमारे बच्चे जैसी तल्ला रामगढ़ से हैं और विज्ञान मेला में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कामिनी हरनवाल हमारे यहाँ से एयर कूलर बना के लाई हैं प्रोजेक्ट के तौर पे, और दो बच्चियाँ कल्पना और प्रियंका ये JCB का फंक्शनिंग समझा। अच्छा, ठीक। निर्णायक मंडल के द्वारा गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए जनपदीय विज्ञान प्रतियोगिता में GIC पदमपुरी से बच्चे आए हैं, अपने गाइड और सहयोगी अभिभावक के साथ भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि विद्यालय जनपद के बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित है। बच्चों ने अपना एक वर्किंग मॉडल दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें ऊर्जा को एक विषय बनाया है। GHS छड़ातो कणिया से बच्चे अपने मॉडल को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके साथ हैं उनके गाइड। आइए उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किस तरह बच्चों को प्रेरित किया करता है। बच्चों को द्वारा खुशियाँ बनाया गया है और इस तरह से सतत विकास, नवाचार, विज्ञान संसाधन प्रबंधन, किस तरह से संसाधन का प्रबंधन किया जा सकता है बच्चों को बताया गया।
बच्चों को ये बताया गया जो बारिश का पानी किस तरह से उपयोग किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग, तो बच्चों द्वारा खुद इसको बनाया गया। बच्चे से आप पूछ लीजिएगा। स्वस्थ जीवन और स्वस्थ रहने पर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, पिरामिड के रूप में। जितुआ पीपल से आए हैं बच्चे जो ये प्रोजेक्ट को लेकर। अगर उस जल को हम सिंचित करके छोटे छोटे डैम बनाकर ऐसे टाइप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं सर। तो जैसे भाई लोग पानी भरा ये दिक्कत सर, इसमें आटा पीस सकते हैं सर, और इसी से विद्युत उत्पादन होगा सर, और कुछ जो इससे निकलता हुआ जल होगा सर उसे हम खेतों में ले जाएंगे, सिंचाई करेंगे सर। आज सुबह सर सिंचाई करते उस पानी को आगे करेंगे सर, और उसको अपना मुर्गी बाड़ा बनाएंगे सर, और मुर्गी का भी सर, और मुर्गी का होता है यूरिया कैसे मांगता है उसे हम सीधे कंपोस्ट चैम्बर में भेजेंगे सर, उस पानी को सफाई करेंगे और उसको दूसरे कंपोस्ट चैम्बर में भेजकर बांध कर नीचे पे वो तरल खाद प्राप्त करेंगे सर, और आवश्यकता अनुसार बच्चों की रचनात्मकता का एक उदाहरण यह भी है कि बच्चों ने प्रोजेक्टर बनाए हैं जो कि वर्किंग मॉडल के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपका नाम? गुरकीरत सिंह। निर्णायक मंडल के द्वारा बच्चों का प्रोजेक्ट देखा जा रहा है। जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव में बच्चे विभिन्न मॉडल और चार्ट और प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने हाइड्रोलिक जेसीबी का भी है। हाइड्रोलिक जेसीबी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी तरह के अन्य मॉडल और प्रोजेक्ट बच्चे पटरानी, ओखलकांडा, जनपद के समस्त विद्यालयों से बच्चे आए हैं, और उनके गाइड, उनके मेंटर, अपने टीचर बच्चों को लेकर के यहाँ प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे हैं। दो तरह के शिफ्ट होते हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये प्रूव कर रहा है जितने भी स्टार्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, स्टार्स से लाइट आ रही है, तो उस लाइट की वेवलेंथ रिकॉर्ड करी। ठीक है, आप तो यहीं पर हो ऑब्जर्वर, जब उसको रिकॉर्ड किया तो पाया गया कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। Oh.
जनपद स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि गण जीजीआईसी बनभूलपुरा की प्रधानाचार्य खंड शिक्षा अधिकारी नगर निगम के अध्यक्ष चेयरमैन साहब डीओ माध्यमिक गौतम जी उड़ा के भट जी मतलब बड़ा हो जाए लेके जाए दुनिया में बदलाव लेके आए लेकिन बदलाव कभी हो सकता है स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है एनर्जी की उनके प्रोत्साहन के लिए बात हो रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी की है रिन्यूएबल सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी की उनके बारे में स्कूलों में बात हो ऊर्जा संरक्षण केवल केवल एक ही
उसका एक ही है कि केवल एक सूक्ति है कि ऊर्जा की खपत कम से कम आप करें, वही ऊर्जा संरक्षण है। तो इंटरनेशनल सेमिनार था तो एक हमारे साथ हैं हरिंद्र रुबाली जो कि जीआईसी पतलोड से सुदूरवर्ती विद्यालय जनपद का है, वहाँ से आए हैं इस ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। मैं यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में ऊर्जा संरक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ पर अपने विचार रखे और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर लोग मेरे विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे होंगे और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा और अनेक लोगों के विचार सुने मैंने भी और मैं उन्हें अपने विद्यालय में भी व्यक्त करना चाहूँगा ताकि उन्हें हम जानकर ऊर्जा को बचाने के लिए प्रयास करें, निरंतर प्रयत्नशील रहें और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश के ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान रहेगा। और यहाँ से मैंने अन्य कई चीज़ें सीखी जिनको हम जानते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति हमारे कौन से संसाधनों से, प्राकृतिक गैर प्राकृतिक या अन्य किसी संसाधनों से कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है और कई अन्य चीज़ सीखें। तो उनको प्रथम स्थान प्राप्त हो, नैनीताल जनपद का सौभाग्य बढ़े, इसमें हमारे सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए।